की कोशिश हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, थोड़ा सा वक्त निकाला है। क्यामत के रोज हमसे एक सवाल होंगे बंदे से, सवाल कुछ यूं होना है। पहला सवाल तो नमाज का होना, और नमाज आपको पता है फर्ज है, और जो उस क्वेश्चन में फेल हो जाएगा ना, वो कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें जो फेल हो जाएगा वो होली फेल हो जाएगा, यानी कि उसको सीधा जानना है। उसके बाद जो क्लियर कर जाएंगे ना, वो नमाज वाला क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन पेपर हमारा क्लियर होगा, उसके बाद कुछ सवालात और भी होने, जिसमें एक क्वेश्चन है जवानी कहाँ पे गुजारी, जवानी कहाँ पे गुजारी। और जरा अपना अपना तस्किया करते हैं, हमने कहाँ पे गुजारी शादियों में, जरा कुछ अंदाजा है हम क्या करते हैं पार्टीज में, कहाँ पे जवानी गुजारी, स्कूल गए, किस हुलिये में जाते थे, किस हुलिये में वापस आते थे, कुछ पता नहीं। एक सवाल और भी होना, ये सवाल नहीं होना बचपन कहाँ पे गुजारा, बुढ़ापा कहाँ पे गुजारा, स्पेशल जवानी का। उम्र का तो चलें जो सवाल होना ही होना है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी कहाँ पे गुजारी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जवानी कहाँ पे गुजारी। नंबर दो, वक्त कहाँ पे गुजारा। लेट्स सी, हम लोग कहते हैं कि हम शायद थोड़े से मॉडर्न मुस्लिम्स हैं, एंड क्योंकि जमाने के साथ चलना पड़ता है, इसलिए दीन और दुनिया दोनों बराबर होनी चाहिए। चलें आपके इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चलें, हम कहते हैं ना, हम दीन और दुनिया दोनों लेके चलना चाहिए, जो आजकल का जो एक स्लोगन है, आसान आसान दीन वो अडॉप्ट कर लेना, और मुश्किल मुश्किल नहीं करना, और ये तो भाई बहुत रिजिड है, मैं इस तरह तो हो ही नहीं सकता। चलें, एक क्वेश्चन है आप सबसे, क्या हम बैलेंस दुनिया और आखिरत या बैलेंस गुजार रहे हैं, कि हमारा वाकई दीन और दुनिया बराबर है। बच्चा जब पैदा होता है तो इंग्लिश तो वो सीख जाएगा, आप बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं, उसकी जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं बड़ी कलर्ड होती हैं, लैंग्वेज की बुक्स बहुत कलर्ड होती हैं, और इवन जो उसकी सोशल स्टडीज की बुक होगी, ईच एंड एवरीथिंग बड़ी खूबसूरत होगी। व्हाट अबाउट द इस्लामिक बुक, एंड व्हाट अबाउट द नूरानी कायदा, जो लैंग्वेज आपने बच्चे को सिखानी है। कभी देखे किस तरह का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो हम फिर कैसे ये कह सकते हैं कि जी हमने अपने बच्चे को दीन और दुनिया दोनों सिखा दी। हाउ, आपने एक चीज उसको कलरफुल दिखाई और एक चीज आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं, जो सीखने वाली चीज है वो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं, और जो दुनिया है वो तो वो सीख ही जाएगा। फिर बच्चे के जो कारी साहब घर में आते हैं उस पे हम कितने पैसे स्पेंड करते हैं, 300 रुपए। स्कूल में बच्चे पे कितने स्पेंड करते हैं, सारा दिन, शाम को माँ भी लेके बैठी है, उसके बाद ट्यूशन भी जाना है बच्चे ने, और उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्लियर करने। यहाँ पे दीन का है बैलेंस, आई थिंक मेरा तो आंसर नो ही है। दूसरी चीज, हम सब ये दावा करते हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हमें अल्लाह से बड़ा प्यार है, और हमें लगता है आप और मैं दिल पे हाथ रख के सोचें कि कौन कहता है कि मैं सीधा जहन्नुम में जाऊं। हर किसी को शैतान ने एक ही बात बताई हुई है कि तुम क्योंकि मुसलमान हो सीधे तुम जन्नत में जाओगे, दिल पे हाथ रख के कहें। अपनी इतनी तो नेकियां हम गिनवा सकते हैं कि हम ये क्लेम कर सकें कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे। हर बंदे को ये लगता है मैं तो जन्नत में जाऊंगा, लेकिन ये जो मेरे सामने खड़ा ना, ये सीधा जहन्नुम में जाएगा। तो दैट इज द थिंग। अच्छा, फिर एक दिन अल्लाह से मुलाकात होनी है, उस अल्लाह से, उस रब से। देखिए, हमें जिससे बहुत मोहब्बत होती है, मेरी कोई फ्रेंड है, मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे जिद करेंगे, पहले वो शुरू में स्कूल जाएगा, वो क्लास में एडजस्ट नहीं हो रहा, बाद में उसको कोई फ्रेंड जो है मेरी बच्ची को बहुत अच्छी लगेगी, मामा मैं उसके घर जाऊं, मैंने उससे बातें करनी, मैं कहूंगी बेटा स्कूल में भी तो करती हूँ, नहीं नहीं मामा उसके घर जाके भी करनी। क्यों? क्योंकि उसको उससे एक लगाव हो गया। क्या हमारा दिल करता है जैसे फ्रेंड्स को फोन पे बात करने का दिल करता है, तो हमारा दिल करता है हम अल्लाह ताला से ऐसे बात करें? कभी सोचिएगा ऐसे बात करते। चले, अब कुछ बात हो जाती है कि अल्लाह से बात करने की, ठीक है,
دوسری چیز، کیا مجھے وہ زبان آتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ زبان، وہ کلام جس سے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، دیٹ از قرآن مجید. جب تک مجھے اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ خود سوچے نا، میں نے ایک انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایک ذات کو دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں جانتی نہیں ہوں، میں اس سے کیسے محبت کروں؟ اور محبت کے بغیر ہم عمل نہیں کر سکتے. ایک بچے کے پیچھے ماں آدھی رات کو اٹھ کے فیڈر بھی بناتی ہے، اس کو فیڈ بھی کرتی ہے، اس کی ہر ہر خواہش بھی پوری کرتی ہے، کیونکہ محبت ہے نا. وہ نہیں دیکھتی رات کو میں جاگ رہی ہوں کہ نہیں جاگ رہی. لیکن اللہ کے لیے ہم ایسے نہیں کرتے. کچھ لوگ کرتے جن کو معرفت الہی ہوتی ہے، جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے، اس کو پھر اللہ سے محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ سے محبت سے پہلے اللہ سے معرفت ہونا ضروری ہے. ایک ذات، دیکھیں مجھے آپ لوگ پہلے نہیں جانتے تھے، جب آپ مجھ سے ملے، آپ نے میری بات سنی، تو آپ کا ایک دلی لگاؤ ہوا، اور پھر آپ لوگوں کا ایک انٹریکشن ہوا، جس کی وجہ سے شاید آپ کا دل کرتا ہے اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں. سیم از دا کیس، جب تک ہم اللہ کے بارے میں جانیں گے نہیں تو محبت کہاں سے ہوگی؟ جب اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی تو محبت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے ہوگی؟ اور پھر جب محبت ہی نہیں ہے تو ہم اللہ کی ڈائریکشن فالو کیسے کریں گے؟ اب آگے چلتے، اب محبت کیسے ہو؟ اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ آپ کو جب آپ لوگوں نے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنا ہوتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس سبجیکٹ کی کتاب کھولی جاتی ہے. اب جناب، ہم تو اگر انگلش کی بات آئے تو ہمارا بچہ انگلش پوئمس سنتا ہے، ہر چیز ہم اس کو انگلش جو ہے وہ انگلش پہ لگا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ جو دنیا ہے نا، جو ہے یہاں پہ انگلش ہی چلتی ہے، اور تم انگلش کے بل بوتے پہ تم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ. لیکن اگر آپ کو اللہ کی زبان آ گئی اور اللہ کی معرفت ہوگی، پہلی بات یہ کہ معرفت الہی کیسے ہوگی؟ قرآن مجید کے ذریعے. وہ قرآن ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ شروع میں ہی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. لیکن کیا ہے کہ جب میں نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتی ہوں، تو پھر میں کرتی ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور آگے پتہ نہیں کیا 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 کیا، اب پتہ کچھ نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے بات کیا کی. لیکن جب میں دل سے مانوں گی کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کی، میری نہیں ہے. آج آپ سارے یہاں پہ آئے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. اللہ جسے جاتا ہے نا، اس کو توفیق ہوتی ہے. ہر کوئی قرآن کی طرف نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے. ہدایت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اور وہ لوگ بڑے لکی ہوتے ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے. اور جس کو رب مل جاتا ہے نا، اس کو سب مل جاتا ہے. اب وہ رب کیسے ملے گا جب قرآن ہی نہیں پڑھا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کیونکہ ہم جو ہے اسلامک گھر میں پیدا ہو گئے، شاید ہمیں سب کچھ پتہ ہے، بٹ ان فیکٹ ہمیں واقعی کچھ نہیں پتا. ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، قرآن ہی تو نہیں سیکھتے. اب یہ ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ And certainly we have made the Quran easy for the remembrance, but is there anyone who will mind? اور ہم نے یقیناً، ہم نے قرآن کو، ولقد اور یقیناً، ولقد سٹریس کے اس پہ آتا ہے، جب بہت زیادہ سٹریس دیا جاتا ہے، یسرنا القرآن، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لذکری، اس کے لیے نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان کر دیا، فہل، یا پھر نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فحل میں مدکر. اب ذرا اسی کو دیکھ لیتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، ایسے لگتا ہے بہت مشکل ہے. مجھے صرف ایک کوسچن کا آنسر بتائیں. ہمارا اردو جو ہے ہماری، وہ عربک رسم الخط پہ ہے، اور اردو کے 65% ورڈز جو ہیں وہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور باقی جو تھوڑے بہت پرسنٹ رہ گئے وہ ملتے جلتے الفاظ. ٹھیک ہے، مجھے صرف ایک کوسچن کا آنسر بتائیں، کیا انگلش سے، سوری، اردو
से इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आसान है या उर्दू से अरबिक सीखना आसान है? सिर्फ इतना सोचे, ये देखें ये सारा उसी तरह लिखे, यहाँ पे मैंने कोई स्पेलिंग्स नहीं किए, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए ए देन बी सी डी दैट इज टोटली ऑपोजिट। यहाँ पे तो अलिफ बे है, अलिफ बा ता सा, और उर्दू का अलिफ बे ते से, सिंपल। फिर दूसरा मीनिंग्स भी सेम है। तीसरा, अल्लाह ताला ने खुद कहा कि यकीनन भाई मैंने तुम लोगों के लिए आसान किया है, हम लोगों के लिए आसान किया है कोई नसीहत हासिल करने वाला? नसीहत, ठीक है, और हमने कोई नसीहत हासिल करने वाला है आपको? कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में बैठे हैं, आपकी टीचर पूछती है कि कौन बनेगा क्लास का मॉनिटर, कौन बनेगा, तो फौरन सारे स्टूडेंट्स कहेंगे मैं। अल्लाह ताला आपसे पूछ रहे हैं है कोई नसीहत हासिल करने वाला, तो हैंड्स रेस करने हैं कि हैंड्स लोअर कर देने? नाउ जस्ट डिसाइड टुडे, हैंड्स हम रेस करेंगे या हैंड्स लोअर करेंगे? अब वो जात पूछ रही है कि हाँ जी बताएं, नसीहत चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कुरान को तुम्हारे लिए आसान किया है, अब चाहिए? फिर अब क्या करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे कि पहले अरबिक सीखेंगे? दोनों ही सीखेंगे। मैं बिल्कुल भी, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहाँ कहाँ नहीं भेजा, सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए। लैंग्वेज सीखने वाला बंदा मार नहीं खाता, फिर चाहे वो अरबिक है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो पर्शियन है, एनीवन, ठीक है, लैंग्वेज सीखने में। लेकिन उनमें सबसे जो आसान लैंग्वेज अल्लाह ने बनाई ना, वो अरबी है। आप ये देखें कि आपको ट्रांसलेशन करके बताती हूँ, और आप अब ये ना वाला कजसनल कुरान लिज़िक्र फहल में मुद्दकर, नीचे देखें इंग्लिश, इसको जब ट्रांसलेट किया गया तो कितने वर्ड्स हैं? एंड सर्टेनली वी हैव मेड द कुरान इजी फॉर रिमेंबरेंस, बट इज देयर एनीवन हु विल माइंड? कितने वर्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। जरा अरबी के यहाँ पे देखें कितने हर, कितने लव्स हैं। यहाँ पे तीन लाइनें बन गई, ये वन एंड अ हाफ, हाफ भी पूरी नहीं हुई, वन एंड नीचे में मुद्दक है, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स में अल्लाह ताला ने बात मुकम्मल कर दी भाई, 7 वर्ड्स में। इंग्लिश में की तो वो 3 सेंटेंसेस में जाके हुई है, देखें जरा आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, और उर्दू में अभी मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करके दिखाती हूँ। और हमने यकीनन हमने इस कुरान को जिक्र के लिए आसान कर दिया ताकि ये लोग समझ सके, तो है कोई क्या नसीहत हासिल करने वाला? कितने सारे वर्ड्स बोले हैं मैंने, और अल्लाह ताला कितनी कंसाइज लैंग्वेज है, कितनी कंसाइज है। अब मैं आपको एक दुआ बताती हूँ, अब मैं बोलती हूँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। हसना का मतलब पता है क्या? हसना का मतलब होता है एक कंप्लीट वर्ल्ड, अ कंप्लीट वर्ल्ड। और हमें सिखाया गया है कि नमाज के एंड में ये दुआ सीखे, मांगे, सीखनी भी चाहिए, लेकिन चक्कर पता है क्या है? हम यूं कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार, क्यों? क्योंकि हमें मीनिंग्स का नहीं पता। हसना एक ऐसी दुनिया को कहते हैं जिसमें कोई कमी नहीं होती, अ परफेक्ट वर्ल्ड। हसना एक ऐसी खूबसूरत दुनिया को कहते हैं जिसमें आपका दीन भी पूरा होता है, आपका दुनिया भी पूरी होती है, आपकी रिस्क की फरावानी, आपकी औलाद में बहुत ज्यादा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो हसन है एक ऐसी दुनिया को कहते हैं कि जिसमें कोई कमी नहीं होती, उसमें आपको हिदाया भी मिलती है, उसमें आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, उसमें आपको ऐसे साथी मिलते हैं जो आपका साथ देते हैं आपको नेकी में आगे करने में, क्योंकि मोमिन मोमिन की ढाल है। तो ये कैसी दुनिया है? लेकिन क्या है कि और फिर जिसकी दुनिया आखिर दुनिया हासिल ना होगी तो उसकी आखिरत भी हासिल ना हो जाएगी, और फिर क्या होगा एंड पे? हासिल ना था वकीन अजाब नार, और वो आखिरत के अजाब से भी बचेगा इंशाल्लाह। लेकिन बात ये है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम अपने गुमान बड़े करते ही नहीं है, क्योंकि हमें अरबी में जो दुआ मांगी है वो तो आती कोई नहीं है। अब अल्लाह से बात क्या करें भाई, क्योंकि जबान ही नहीं आती। देखिए इंसान को
फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त चाइनीज बोलना शुरू कर दूं, आपके और मेरे दरमियान एक इंटरप्रेटर बैठ जाए, तो क्या आपको मेरी बात समझ आ जाएगी? कुछ देर में ही, हार्डली मेरे ख्याल है 3 मिनट्स होंगे, आप ना बोर हो जाएंगे कि क्या ये इंटरप्रेटर बैठा हुआ है, मैं पहले इसको बताती हूँ, फिर वो मैम को बताता, और मैं मैम को बताती, मैम इसको बताती, फिर ये मुझे बताता है. लेकिन एक है वन टू वन, लाइक मुझे उर्दू आती है, आपको उर्दू आती है, मैं आपको बात बता रही हूँ, आपको समझ आ रही है, आप कुरान पढ़ते हैं, आप तिलावत करते हैं, आपको समझ आता है अल्लाह ने क्या कहा है. फिर जब ट्रांसलेशन करना शुरू होते हैं तो फाइनली ये होता है कि हम बोर हो जाते होते. क्यों? वाई? बिकॉज हम लोगों ने एक इंटरप्रेटर बिठा लिया अपने और अल्लाह के दरमियान, और उसको कहते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, अब क्योंकि आपको अरबी और फिर ट्रांसलेशन जब हम करने पर लगते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म की ट्रांसलेशन होती है, क्योंकि हमें अरबिक के मीनिंग्स नहीं आते, हमें फहम नहीं होता अरबी का. देखिए इंग्लिश हम पढ़ते हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे नीचे लिखा है एंड सर्टेनली वी हैव मेड द कुरान इजी फॉर रिमेम्बरेंस, बट इज देयर एनीवन हु विल माइंड, तो आपको सारी बात समझ आ रही है. लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वाला कद यसरन अल कुरान लिज़िक्री फहल में मुद्दकर, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी. Then you will go for the translation के भाई समझ कोई नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोला. तो finally क्या होगा कि हमें वो बात भूल जाएगी, और जब तक मैं translation तक पहुंचूंगी और मुझे ये पता चलेगा अच्छा ये एक line के बाद मुझे इतनी translation, तो फिर मैं और bore हो जाऊंगी. अब इसी चीज को, इसी confusion को overcome करने के लिए एक छोटा सा course है, that is only 9 chapters. सिर्फ आपको 9 chapters पढ़ाए जाएंगे, और ये वो बुक है जो मैंने खुद अपने बेटे के साथ बैठ के लर्न की थी. जो मेरा पिछला रमजान गुजरा उसमें मैंने ये लर्न की थी, एंड देन फाइनली मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई. आप यकीन करें कि अब जब मैं दुआ मांगती हूँ ना, तो दिल से एक पता चल रहा होता है कि मैं अल्लाह से मांग क्या रही हूँ. जब मैं कुरान पढ़ रही होती हूँ तो पता चल रहा होता है मैं क्या, मतलब अल्लाह मुझे क्या. और यकीन करें अब आंसू निकलते, पहले नहीं निकलते, पहले समझ जो नहीं आती थी. आप कभी जाएं वहां पे, मदीना अभी मैं होके आई, मैं तो वहां पे मैंने, बल्कि मक्का में भी, मदीना में भी, जब वो लोग दुआ करते हैं ना, इवन वो आयात पढ़े होते हैं, वो रोना शुरू करते थे. ये कैफियत मेरे ऊपर उस वक्त आ रही हुई जब मुझे कुरान समझ आने लगा. हमने क्या पढ़ा कि जब ये वो कुरान है कि जब इसको पढ़ के सुनाया जाता है तो क्या होता है, दिलों की कैफियत बदलती है ना, हमारी बदलती है. और अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि अगर हम ये कुरान जो है इसको किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पिघल जाता, वो रेजा रेजा हो जाता. अल्लाह ने इंसान के दिल पे नाजिल किया क्योंकि इंसान का दिल उसको बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन हमारे दिल तो डरते भी नहीं है ना, ऊपर से होके निकल जाता, सब ऊपर से निकल जाता. क्यों? मीनिंग्स नहीं आते बेटा. जिस दिन आपको डायरेक्ट कुरान समझ आएगा ना, तिलावत समझ आएगी, उस दिन आप रोएंगे, उस दिन दिल भी बदलेगा. लेकिन क्योंकि हम ट्रांसलेशंस पे आ जाते हैं, ट्रांसलेशन पे आते हैं देन कंफ्यूजन्स में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन्स होती हैं तो फिरके पैदा होते हैं. अल्लाह ताला ने तो कुरान आसान किया, अल्लाह ताला ने तो कुरान में किसी फिरके की बात नहीं की, अल्लाह ने कुरान में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की. कंफ्यूजन क्यों है? कि हमें अरबिक लैंग्वेज नहीं आती. और यकीन करें अरबिक लैंग्वेज सीखना मुश्किल है, लिसानुल कुरान इज वेरी इजी. ओनली 9 chapters जो हैं वो अगर आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम आप लोग अगर डेली का सिर्फ 3 to 4 lines डेली की सिर्फ मुझे सुना दिया करेंगे ना, आप यकीन करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम तिलावत सुनेंगे तो आंसू निकलेंगे, इंशाल्लाह दिल बदलेंगे. कुरान किसके लिए हिदायत है, किसके लिए हिदायत है? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने यही कहा ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं. दुनिया की हर किताब ये क्लेम नहीं करती कि इस किताब में कोई शक नहीं. ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अल्लाह ताला पहले आपको बता रहे कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, अगर इसको तुमने अडॉप्ट कर लिया ना तो तुम कामयाब हो जाओ. और फिर अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये सिर्फ हिदायत है मुत्तकीन के लिए.
सबको बेटा हिदायत नहीं मिलती, हिदायत उन लोगों को मिलती है जो अपने आप को अल्लाह की खातिर बदलना चाहते हैं। और आपको पता है अल्लाह ने हमें अरबी जबान में, अल्लाह ने कुरान में अरबी जबान में कलाम किया। आज हमें अंग्रेज बड़े प्यारे लगते हैं ना, इसलिए हम उनकी जबान सीखते हैं। दुआ करें ना, या अल्लाह अपनी इतनी मोहब्बत डाल दें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, या अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल देना ताकि तेरी जबान भी सीखूं। अंग्रेजों की सीख ली, तेरी भी तो सीखनी है ना। या अल्लाह दे देना, या अल्लाह हिदायत दे ना। अल्लाह उसको देता है हिदायत जो मांगता है, ऐसे नहीं मिलती, यकीन करें नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती। विजडम भी सबको नहीं मिलती, ठीक है। और अरबी एक ऐसी जबान है कि जो इसको सीखता है उसकी फसाहत और बलागत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह उसके बदले में उसको विजडम देता है, अल्लाह उसको हिकमत देता है। हिकमत जो है ना वो डिग्री से नहीं मिलती, हिकमत अल्लाह के करम से मिलती है। आप इस वक्त PhD MPhil से भी मिलेंगे ना, दे आर मेंटली, जिसे कहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर से जैसे डिस्ट्रैक्टेड पीपल है। शायद ही कोई आपको हिकमत वाला इंसान मिले, और वो आटे में नमक के बराबर। या तो अल्लाह की ब्लेसिंग होती है तो हिकमत मिलती है। हजरत लुकमान जो है वो हकीम लुकमान थे, कोई नबी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह से हिकमत मांगी थी तो अल्लाह ने दी थी। आप भी मांगे ना, या अल्लाह मैंने तेरी जबान सीखनी है, मुझे पता है इसमें बहुत हिकमत है, मुझे सिखा देना, अल्लाह सिखाएगा, मैंने दुआ मांगी थी। अब यकीन करें अल्लाह ऐसी ऐसी बुक्स मेरे सामने लेके आया, अल्लाह ने इतने रास्ते आसान किए, मैंने घर बैठ के सारा कुछ सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे अल्लाह सिखाता है, लेकिन हम बात ही नहीं अल्लाह से करते उस तरह से, अपना गुमान ही नहीं बड़ा करते। छोटी छोटी चीजें मांगी ना अल्लाह से, अल्लाह के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। आज अल्लाह से इस मांगे, या अल्लाह ये सिर्फ 9 डेज का कोर्स है, मुझे इस पे कायम रखना, मुझे पता है शैतान आएगा, शैतान ने तो कहा है मैं आऊंगा, मैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर जगह से आएगा शैतान। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात बता रहे थे सहाबा कराम को, तो सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे अपने रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे अपने खून के रिश्ते। माँ अभी नमाज पढ़ने जाती, बच्चा रोना शुरू कर देता है, शयातीन है ना हमारे इर्द गिर्द, रोकेंगे आपको। नवाफिल हाजात पढ़ें और अल्लाह से मांगें, देखें अल्लाह हिकमत देता नहीं। देखें अल्लाह आपके गिर्द ऐसे बैरियर्स बना देगा कि कुछ भी होगा आप पक्के हो जाएंगे, नहीं मुझे सीखना है, ठीक है। और भी तो हमने इतनी डिग्रीज ले ली ना, सप्लीज आने के बावजूद हम कवर करते हैं, क्यों? हमें लेनी है, इंसान के लिए वही कुछ है, कुरान में है ना कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर दुनिया मांगेंगे दुनिया मिलेगी, ठीक है। ये रब्बा ना आती ना फिर दुनिया से, जरा पहले देखिएगा कि वहां पे लिखा हुआ है, वो बकायदा हज की आयत है जो कि वहां पे बताया जाता है, पूरा किस्सा है हजरत बीबी हाजरा का और खाना काबा की तामीर का। तो वहां पे बताया जाता है कि रब्बा ना आती ना फिर दुनिया, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें कंप्लीट दुआ सिखाई, रब्बा ना आती ना फिर दुनिया हसनतम फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाब अन्नार। अल्लाह ने आपको दुनिया मांगने से मना नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने कहा दुनिया के साथ आखिरत भी मांगो, ठीक है। दुनिया मांगने से इस्लाम दीने फितरत है, इस्लाम कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़ाब्ता हयात किसे कहते हैं? जिंदगी गुजारने का तरीका। हमने इस ज़ाब्ता हयात को छोड़ के कुछ और ज़ाब्ता हयात बना दिए, अल्लाह कह रहा है ना। क्या मैं अल्लाह को ये कह सकती हूँ? हम हर चीज में ऑब्जेक्शन करते हैं, हर चीज में नहीं ऐसे नहीं वैसे तावीलें करते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा सर पे दुपट्टा लिया ना थोड़ा सा, चलो थोड़े से बाल भी आगे से दिखा देती हूँ तो दुपट्टा थोड़ा खूबसूरत लगेगा। अल्लाह ने तो कहा जीनत छुपाओ। हम दुपट्टा लेने लगते हैं वो भी सोचना शुरू कर देते हैं, क्यों? द रीजन इज दैट के अभी दिल नहीं बदले, अभी दिल नहीं बदले, अभी तो अल्लाह याद ही नहीं आया। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो उसके तरीके होंगे ना, और अल्लाह से मोहब्बत कब होगी? जब कुरान की लैंग्वेज सीखेंगे, जब कुरान को पढ़ेंगे,
یہاں پہ کچھ عربی زبان کی اہمیت بتاتے چلیں. اللہ نے عربی زبان میں کلام کیا, قرآن کی زبان عربی ہے, جامع زبان ہے, انسان کی پہلی زبان ہے. عربی زبان تاثیر والی ہے, روح عقل نفس اور سوچ کا تزکیہ کرتی ہے. عربی زبان دین کا حصہ ہے. قرآن و سنت کے فہم کے لیے عربی جاننا ضروری ہے, نہیں تو پھر وہی کنفیوژنس میں پڑ جائیں گے. پھر آپ ٹرانسلیشنس پہ آئیں گے تو پھر آپ ہر کسی سے یہ پوچھیں گے کون سی والی ٹرانسلیشن دو. وائی ٹرانسلیشن؟ انگلش کی آپ کتنی بکس پڑھتے ہیں, آپ کو ٹرانسلیشنس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں. عربی زبان دین کا حصہ ہے. بابا کو دیکھا, ام السنہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ زبانوں کی ماں ہے, ام اللسان ہے. حضرت عمر کا کوئی ایک قول بتائیں جس سے عربی زبان کی اہمیت کا اندازہ ہو. یعنی کہ حضرت عمر کا, حضرت عمر نے فرمایا کہ عربی سیکھو, یہ تمہارے دین کا حصہ ہے, علم ہر مسلمان پہ فرض ہے. بیٹا تو دونوں ہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا صرف دنیا کا ہی فرض ہے, یہ بھی فرض ہے. دیکھیں قیامت کے روز مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے بی اے کیا, تم ماسٹرز بھی ہو, تمہیں انگلش بھی آتی تھی, تم نے کبھی قرآن کے لیے وقت نکالا تھا؟ کیا کہیں گے؟ صرف ایک بک ہے, اونلی 30 پارس. 30 پارس تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو ڈیوائڈ کر دیا. بیسیکلی وہ ایک قرآن مجید تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب کبھی تعریف ہو جاتی تھی جب وہی نازل ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ بات ہوتی تھی, ٹھیک ہے. دل ڈر جاتے ہیں مومن کے, تو ہمارے ڈرتے اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ بیچ میں ٹرانسلیشن آ جاتی ہے. اور دل میں ایمان کا نور بڑھنے کی کیا پہچان ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سے رجوع کرنا, اللہ کی طرف پلٹنا, اور دلوں کا اللہ کی طرف مائل ہونا. مجھے اب چیک کرنا ہے کہ کیا میرا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے, کیا میرا دل کرتا ہے میں عربی سیکھ لوں. نہیں, ابھی میں انگلش لینگویج کورس اناؤنس کروں گی, دیکھیں گے بھر جائے گا میرا گروپ. لیکن جب میں عربی لینگویج اناؤنس کرتی ہوں نا, آج کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یقین کریں, ابھی میں نے اناؤنس کیا ہے, حالانکہ وہ فری نہیں ہے, آن پیمنٹ ہے, یہ فری ہے, یہ اللہ کے لیے. لیکن کتنے لوگ آئے, اور ابھی اللہ کرے کہ آپ ساروں کی اسٹرینتھ زیادہ ہو, کم نہ ہو. آج جو آگے ہیں اللہ سے دعا کریں, یا اللہ مجھے اس پہ قائم رکھنا, ٹھیک ہے. اونلی 4 ڈیز اے ویک کلاس ہوگی, اور ٹوٹل 9 ڈیز کی کلاس ٹوٹل, جو آپ کے ویک ڈیز بنیں گے. 3rd ویک میں جا کے آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس کورس کے کمپلیٹ کے اینڈ میں, کمپلیشن ہوتے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار مجھے تو بہت کچھ پڑھنے ہوں گے, الحمد للہ, ٹھیک ہے. اونلی 9 چیپٹرس. آپ انگلش کی ذرا گرامر تو کھولیں, اردو کی گرامر کھولیں, ذرا سیگے بنائیں, ٹھیک ہے, ذرا سیگے تو بنائیں. کتنے ٹینسز بنتے ہیں؟ 3 ٹینسز, اور اس کے آگے فردر ڈویژنس کتنی زیادہ, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھ لیں, اونلی 9 چیپٹرس. عربی کے صرف ٹوٹل 2 ٹینسز ہیں, فعل مضارے اور دوسرا جو ہے ایک فعل مضارے ہے, اور دوسرا فعل امر نہیں ہے جو کہ حکم کے لیے یوز ہوتا ہے. خیر وہ تو فعل مضارے جو ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کمبائنڈ ہے, اور ایک فعل ماضی ہے, دیٹس آل, ٹھیک ہے. اور اسی میں آپ کی پوری عربی کور ہو جاتی ہے. دیٹ از دا تھنگ. آج آپ کا یہ لیسن تھا بالکل چھوٹا سا, جس میں آپ کا ایک تعلق آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا. ایک جگہ فرمایا گیا, اگر قرآن میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو عربوں کی شاعری میں دیکھو, وہ عربوں کا دیوان ہے. عربی عربوں کا دیوان ہے, اور عربکس جو ہیں وہ اپنی شاعری کی وجہ سے, اپنی ذہانت کی وجہ سے, اپنی فطانت کی وجہ سے بہت مشہور تھے, پتہ نا آپ لوگوں کو, اسپیشلی اہل القریش. تو وہ کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو عربی سکھا دی تھی. اب آپ اپنے اندر بھی نوٹ کیجئے گا, جب آپ کو تھوڑی بہت عربی سمجھ آنا شروع ہوگی تو دیکھیے گا آپ کے دل کیسے پلٹتے ہیں. ناٹ اونلی دینی لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں, آپ دنیاوی لحاظ سے بھی بہت, آپ کے اندر ایک ڈفرینس آپ کو خود فیل ہوتا ہے. دیکھیں بیٹا, کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے نا آپ کو اس پہ قائم رہنا ہوتا ہے, صبر, صبر اور استقامت, ٹھیک ہے.
आप पहले तो दिल से डिसाइड करें ना, मैंने करना है और हर हाल में करना है, ठीक है? मुझे कुरान के साथ जुड़ना है। लेबल नहीं लगाना हमें कि हम कोई बहुत कोई हाई फाई चीज है, क्योंकि इल्म का तकब्बुर सबसे बुरा तकब्बुर है। और यहाँ हम अगर बैठे हैं तो ये अल्लाह का करम है, मेरा या आपका कमाल नहीं। अल्लाह ताला इस महफिल में सबको नहीं बनाता, अल्लाह तौफीक भी सबको नहीं देता, ये चीज याद रखिएगा। अल्लाह के करम से स्टार्ट करें और दुआ मांगिएगा, या ना मेरा साथ देना। अल्लाह तो मोमिन के साथ होता है ना, ठीक है? और मोमिन अल्लाह तो उसकी मतलब एक ऐसी स्टेज भी आती है मोमिन के ऊपर कि अल्लाह उसकी आंख बन जाता है, अल्लाह उसकी जबान बन जाता है। जिसके साथ अल्लाह है वो तो कभी गिर ही नहीं सकता। लेकिन मसला पता है क्या है, अल्लाह तो चाहता है कि बंदा मेरे करीब आए, बंदा नहीं चाहता कि वो अल्लाह के करीब जाए। बंदा कहता है नहीं यार, पहले जॉब कर लूं, पहले ये डिग्री ले लूं, पहले वो। बुढ़ापा है ना, शायद वहां पे जाके हिदायत मिल ही जाएगी, और इतनी नेकियां तो कर ही ली हैं।